सोमवार को संसद में जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ पहुंचे तो अलग अंदाज में दिखे। खास बात यह थी कि उनके साथ अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद भी थे, जिन्होंने बीजेपी को सबसे बड़ा सदमा दिया है। लेकिन उससे भी खास बात यह थी कि अखिलेश यादव उनका हाथ पकड़कर चल रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव के लिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद इतने अहम क्यों हैं, और अवधेश प्रसाद को आगे कर अखिलेश यादव ने क्या मैसेज दिया है, तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने सड़क से सदन तक सियासत और समीकरणों की तस्वीर बदल दी है। सोमवार को नई लोकसभा के पहले दिन भी बदलाव की ये तस्वीर मुखर नजर आई। यूपी से सर्वाधिक सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनके एक हाथ में संविधान था तो दूसरे हाथ में फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ था। सदन के भीतर भी अखिलेश ने इस केमिस्ट्री को बरकरार रखा। पहली बार संसद पहुंचे अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के एजेंडे में यूं ही इतने अहम नहीं हैं। इसके पीछे कोई वजह है। सपा को यूपी में 37 सीटें मिली हैं, इसमें 5 सीटों पर सैफई परिवार के चेहरे जीते हैं। इसमें अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव, उनके चचेरे भाई अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव शामिल हैं। बाकी 32 चेहरे ऐसे हैं जो पहले भी संसद पहुंच चुके हैं, लेकिन जब अखिलेश सांसदों के साथ संसद की ओर बढ़े तो उनके एक बगल में पार्टी के प्रमुख महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव थे, तो दूसरी ओर अयोध्या विधानसभा को समाहित करती फैजाबाद लोकसभा से जीते पार्टी के दलित चेहरे अवधेश प्रसाद थे। अवधेश ने अखिलेश का हाथ थाम रखा था। 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद पहली बार संसद पहुंचे हैं, इसलिए संसद की सीढ़ी चढ़ने से पहले जब उन्होंने झुककर प्रणाम किया उस दौरान भी अखिलेश वहां ठिठके और फिर साथ आगे बढ़ गए। सपा ने इस बार अखिलेश की अगुवाई में अपनी स्थापना के बाद सबसे अधिक सीटें जीती हैं। 37 सांसदों के साथ वह लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, इसलिए अखिलेश विपक्ष की दीर्घा में पहली सीट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बगल में बैठे नजर आए। लेकिन अखिलेश के साथ ही एक और शख्स को वहां पर जगह मिली, ये शख्स अवधेश प्रसाद थे। अवधेश विधानसभा में भी अखिलेश के बगल में बैठते थे, लेकिन यहां उन्हें यह जगह वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मिली थी। लेकिन लोकसभा में भी अवधेश का हाथ और साथ साधकर अखिलेश ने पीडीए की गणित में डी यानी कि दलित वोटरों को समान भागीदारी का संदेश देते हुए वो नजर आए। ये कवायद यूपी में भी भविष्य की संभावनाओं के लिए अहम हो जाती है। यादव मुस्लिम कोर वोट बैंक की पार्टी माने जाने वाली सपा के राजनीतिक डीएनए को अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति से बदलने में सफल रहे हैं। संगठन से लेकर टिकटों के वितरण में गैर यादव ओबीसी और दलितों की भागीदारी बढ़ाकर अखिलेश ने साफ किया है कि भागीदारी महज नारा नहीं है बल्कि उनकी मंशा है। अवधेश प्रसाद पर पार्टी का बड़ा फोकस इसी एजेंडे का हिस्सा है। सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर सदन तक अवधेश को विशेष अहमियत दी जा रही है। अयोध्या में उनके स्वागत से लेकर सम्मान तक की खबरें पार्टी के प्रदेश कार्यालय से पहली बार जारी की गई हैं। दरअसल अवधेश प्रसाद केवल दलित सियासत के लिहाज से अहम नहीं है बल्कि फैजाबाद यानी कि अयोध्या का सांसद होने के नाते कमंडल पर भारी पड़े मंडल का प्रतीक भी हैं। उनकी जीत को भाजपा के सबसे बड़े कोर एजेंडे की हार के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए सपा उनके जरिए वोटों के गणित के साथ ही परसेप्शन की केमिस्ट्री साधने में लगी है। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन के बाद भी अखिलेश यादव जितना दलित वोट बैंक अपने पाले में नहीं कर पाए थे, इस बार उससे अधिक वोट सपा ने बसपा के मुखर विरोध के बाद भी हासिल कर लिया है। सपा ने यूपी में दलितों के लिए आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर उम्मीदवार उतारे थे। इसमें 50% यानी कि 7 सीटों पर सपा को जीत मिली है। फैजाबाद की अनारक्षित सीट पर सपा ने दलित चेहरे के तौर पर अवधेश प्रसाद को उतारा। यहां भी सपा ने बीजेपी के गढ़ को ध्वस्त कर दिया। पहली बार लोकसभा में सपा से 8 दलित सांसद पहुंचे हैं। इससे पहले 2004 में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में 6 दलित सपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। अखिलेश चाहते हैं कि पार्टी के साथ जुड़ा ये वोटर महज
परिस्थितिजनक न होकर स्थायी साझेदार बने। 2027 में यूपी की सत्ता में पहुंचने का ख्वाब पूरा करने के लिए भी ये अहम है, इसलिए साथ और साझेदारी का संदेश साधने के हर मौके का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।